देखिए, ओल्ड राजेंद्र नगर के राव कोचिंग सेंटर में हुई 3 आईएएस एस्पिरेंट्स की मौत के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दिल्ली समेत पूरे देश में गुस्सा है और अब इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है जो 30 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपे। कोचिंग सेंटर में मौत के मामले को लेकर केंद्र सरकार भी गंभीर है। हादसे की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने कमेटी बनाई है। कमेटी 30 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। ये कमेटी हादसे की वजह का पता लगाएगी, हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है और ऐसे हादसों से बचने के लिए नीतियों में क्या सुधार करना है, ये सुझाव कमेटी देगी। गृह मंत्रालय की कमेटी की अगुवाई गृह मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी करेंगे, जबकि दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी और फायर डिपार्टमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी इस कमेटी के सदस्य होंगे। इस मामले में पुलिस एक्शन भी तेज है। हादसे की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को नोटिस भेजा है। एमसीडी के करोलबाग जोन में दफ्तर में नोटिस भेजकर पूछा गया कि हादसे से पहले एमसीडी ने क्या कार्रवाई की थी और अगर कार्रवाई नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई, इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसा मामले में एमसीडी ने अब तक एक जूनियर इंजीनियर और एक सहायक इंजीनियर को सस्पेंड किया है। तो देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से ओल्ड राजेंद्र नगर के एक इलाके में पानी भर जाने की वजह से बेसमेंट में लाइब्रेरी में 3 छात्रों की मौत हो जाती है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि नालों की ठीक तरीके से सफाई नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जो इसी तरीके के खतरे पर अब भी बैठे हैं। एबीपी न्यूज की टीम वहां पर पहुंची, ग्राउंड रिपोर्ट आपके साथ। नालों की सफाई हुई है या नहीं, इसकी तस्वीर हम आपको दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में शामिल ग्रेटर कैलाश को दिखाते हैं। यहाँ के नाले पूरी तरह चोक हैं। नालों में एक तरफ पूरी तरह गंदगी भरी हुई है, दूसरी तरफ से नाला बंद है, मिट्टी भरी हुई है। तस्वीरें क्या है हम आपको आज दिखाएंगे ग्रेटर कैलाश, यहाँ पर नालों की क्या कंडीशन है उसकी हम आपको एक झलक दिखाना चाहेंगे। किस तरह से, किस हाल में यहाँ पर जो नाले हैं वो किस तरह से हैं, क्या उनकी सफाई हुई है या फिर नहीं, ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। किस तरह से काफ़ी ज़्यादा गंदगी से भरे हुए ये जो नाले हैं ये यहाँ पर आपको नज़र आएंगे और कई बड़े सवाल ये नाले खड़ा कर रहे हैं कि क्या समय रहते इन नालों की जो सफाई है वो आखिर क्यों नहीं की गई। अधिकारियों की अनदेखी की वजह से नालों का डिसिल्टिंग नहीं हुई और इसी बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर जैसे हादसे होते हैं। एमसीडी, जल बोर्ड और दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हैं तो आम आदमी पार्टी इसके लिए बीजेपी और उपराज्यपाल को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन ऐसे हादसों पर जवाबदेही आखिर किसकी है ये तय नहीं हो पाता। अब देखिए, कोचिंग सेंटर के इस हादसे को लेकर सियासत भी लगातार जारी है। जहां संसद परिसर के भीतर आम आदमी पार्टी के सांसद प्रोटेस्ट करते नजर आएंगे तो दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद भी राजघाट पर प्रोटेस्ट करते दिखेंगे, लेकिन दूसरी तरफ छात्रों का भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद सियासत और प्रदर्शन का दौर जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की वार पलटवार के साथ ही सैकड़ों प्रतियोगी छात्र भी सड़कों पर उतरकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे को लेकर आज सुबह संसद परिसर में आम आदमी पार्टी के सांसद प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली बीजेपी आज भी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में प्रोटेस्ट करेगी और केजरीवाल सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर राजघाट के सामने धरना प्रदर्शन करेगी। पूरी की पूरी सरकार सिर्फ एक ही विषय पर केंद्रित रहती है कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल कितना है। अगर इन्होंने ईमानदारी से काम किया होता आज राजेंद्र नगर में ये हादसा नहीं होता। दिल्ली की जनता के लिए अगर काम नहीं करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। केंद्र साहब के दफ्तर से एक कड़ा एक्शन लिया जाए और वो कब होगा, जब इन विभागों के ऊपर बैठे हुए लोगों की जवाबदेही तय हो। इतने बड़े हादसे की जिम्मेदारी लेने के बजाय सियासी दल एक दूसरे पर आरोप मढ़ने का खेल खेल रहे हैं। पूरे सिस्टम पर आम छात्रों का गुस्सा बुरी तरीके से उबल रहा है। एलजी विनय कुमार सक्सेना हादसे की जगह पहुंचे तो उन्हें जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।